वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। मैं सब निकिता गुप्ता एंड आई एम बैक विद अनदर हॉल वीडियो। तो आज की जो वीडियो है वो फेस्टिव से रिलेटेड वीडियो है, तो मैंने सोचा क्यों ना, फेस्टिव सीजन आ रहा है, फेस्टिव सीजन चल रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोग के लिए कुछ फेस्टिव वेयर लाया जाए। इसलिए मैंने मीशो से कुछ अफोर्डेबल फेस्टिव वेयर लेके आया हुआ है ताकि आप लोग फेस्टिव में अच्छा लुक क्रिएट कर पाओ और अच्छे दिख पाओ। तो इसलिए मैंने कुछ अफोर्डेबल प्राइस के जो ट्रेंडी लुक के फेस्टिव वेयर थे वो मैंने लेके आया हुआ है, इसी का आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ। तो सारे मैंने मीशो से मंगवाया है और सारे ही अफोर्डेबल प्राइस में है और बहुत अच्छा लुक है और इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मेरी जो फर्स्ट प्रोडक्ट है वो ये है जो कि मैंने मीशो से लिया है, देख सकते हो। तो ये जो थ्री पीस सूट होता है जिसमें कुर्ता पजामा और दुपट्टा मिलता है वही मैंने मंगवाया है। तो ये मैंने मीशो से मंगवाया है, देख सकते हो, जो कि ब्राउन कलर में है, जो लाइट ब्राउन थोड़ा ऑरेंज के टोन में जाता है ना, उस टाइप का टोन में है ये। और इसमें पूरा व्हाइट कलर की जो एम्ब्रॉयडरी होता है वो बनाया हुआ है, देख सकते हो, ये पूरे व्हाइट कलर के धागे से एम्ब्रॉयडरी की हुई है पूरे बाजू में और नेक पे, देख सकते हो। तो देख सकते हो इसका भी नेक है और पीछे ऐसा है इसका। तो लुक मैं साइड में लगा दूंगी ताकि आपको पता चल जाए कि इसका लुक कैसा है। तो ये मैंने एस साइज में मंगवाया है और ये मुझे थोड़ा सा लूज हो रहा है, तो ये जो सूट है लूज फिटिंग वाला ही जो सूट होता है उस टाइप का है। तो देख सकते हो ये मुझे थोड़ा पाकिस्तानी वाला जो लुक होता है, पाकिस्तानी लुक वाला जो सूट होता है उस टाइप का लुक दिख रहा था, इसलिए मैंने इसे मंगवाया था, देख सकते हो। देन इसमें मुझे एक ट्राउजर रिसीव हुआ है, देख सकते हो। तो इस ट्राउजर के नीचे भी इस टाइप की एम्ब्रॉयडरी की हुई है जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये जो लूज फिटिंग वाला ट्राउजर होता है उस टाइप का ट्राउजर है, देख सकते हो, और नीचे इसमें एम्ब्रॉयडरी की हुई है व्हाइट कलर का धागा से। तो इसकी जो एम्ब्रॉयडरी का लुक है वो बहुत फिनिश है, देख सकते हो, बिल्कुल भी धागा नहीं निकला हुआ है, इसका काम बहुत फिनिशिंग से किया हुआ है, देख सकते हो। और ऊपर देख सकते हो इस टाइप का रबड़ लगा हुआ है और ये पूरे जो पैंट में है इस टाइप की लाइनिंग लगी हुई है, तो इसका मटेरियल बहुत मोटा है। अगर आप इसे गर्मी में पहनते हो तो आपको बहुत गर्मी लगने वाली है। फेस्टिव का टाइम है और विंटर सीजन चल रहा है तो ये आपको बहुत अच्छा पहनने में लगेगा क्योंकि इसमें लाइनिंग दी हुई है जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा ही थोड़ा गर्म गर्म फील होता है, गर्मी लगता है। तो अभी आप अगर इसे पहनते हो तो बहुत अच्छा लगेगा, बट अगर आप इसे गर्मी में पहनते हो तो मे भी थोड़ी गर्मी लगे। देन इसमें देख सकते हो ये दुपट्टा है जो नेट का है ब्राउन कलर में ही, और इसमें भी व्हाइट कलर की एम्ब्रॉयडरी की हुई है, बट मुझे दुपट्टा बिल्कुल भी पसंद नहीं आया क्योंकि इसकी क्वालिटी जो है बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। इसमें देख सकते हो जो धागा है पूरा निकला निकला है, तो इसकी जो फिनिशिंग है बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। सूट की फिनिशिंग अच्छी है सूट एंड पैंट की, बट दुपट्टा की फिनिशिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो ये मैंने 650 रुपीज में मीशो से मंगवाया है। तो लुक में जैसे दिखाया गया था सेम रिसीव हुआ है, कलर भी मुझे सेम रिसीव हुआ है, बट इसकी दुपट्टा की क्वालिटी मुझे अच्छी नहीं लग रही है। अगर दुपट्टा ये अच्छा देते तो ये सही था, 650 में इसकी क्वालिटी भी अच्छी है, लाइनिंग लगा हुआ है पैंट में भी और जो ऊपर का कुर्ती है उसमें भी लाइनिंग लगा हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू प्राइस आप जा सकते हो 650 में, बट दुपट्टा की क्वालिटी मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी, देख। देन मेरा जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो ये है, ये ब्लू कलर का सूट, देख सकते हो। तो ये भी थ्री पीस सूट है जिसमें कुर्ती पैंट एंड दुपट्टा मुझे रिसीव हुआ है। तो देख सकते हो ये, तो ये पूरा प्लेन सा जो कुर्ती होता है वैसा है और इसमें भी कॉटन का लाइनिंग लगा हुआ है, देख सकते हो। तो एकदम सिंपल सा प्लेन ये कुर्ती है ब्लू कलर का और इसमें देख सकते हो यहाँ पे बस ऐसे नेक में डिजाइन है, बाकी पूरा ये सिंपल है। और इसका जो स्लीव है देख सकते हो, यहाँ तक की जो स्लीव होती है वहां तक की स्लीव है।
लिए मैंने एस साइज में मंगवाया है और इसकी फिटिंग बहुत अच्छी हो रही है और इसकी क्वालिटी तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा। और ये मुझे ओनली 550 रुपीज़ पड़ा है, तो अकॉर्डिंग टू 550 इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। मतलब देख के आपको नहीं लगेगा कि ये बहुत लो या फिर चीप क्वालिटी वाला मटेरियल है, ये देख के लग रहा है जैसे कोई ब्रांडेड सूट है। इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, इसकी मटेरियल भी बहुत अच्छा है और कलर भी बहुत अच्छा है इसका। देख सकते हो एकदम शाइन कर रहा है, जैसा कलर दिखाया गया था सेम वैसा ही कलर लग रहा है। अगर आप इसका पिक क्लिक करते हो देन आपको कलर थोड़ा डल डल लगेगा, बट अगर आप सामने से देखते हो तो इसका लुक एकदम सेम और कलर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत शाइन कर रहा है और मटेरियल भी इसकी बहुत अच्छी है। तो मैंने ये एस साइज में मंगवाया, मुझे फिटिंग एकदम सही से हो रहा है, जरा सा भी इसे फिट कराने का जरूरत नहीं होगा, ना ही मुझे थोड़ा लूज हो रहा है, तो इसकी फिटिंग बहुत अच्छी हो रही है। देन इसमें एक पैंट मुझे रिसीव हुआ है, देख सकते हो सेम जो ऊपर का मटेरियल है उसी मटेरियल का ये पैंट है, देख सकते हो इस टाइप की। तो पैंट भी मुझे अच्छे से फिटिंग आ रहा है क्योंकि इसमें इलास्टिक लगा हुआ है, इस वजह से ये मुझे सही से फिटिंग आ रहा है, देख सकते हो। देन इसमें मुझे ये दुपट्टा रिसीव हुआ है, तो इस सूट का मेन जो लुक है वो ये दुपट्टा से है क्योंकि ये दुपट्टा पूरा हैवी है, पूरा वर्क किया हुआ है, देख सकते हैं इसमें स्टोन का वर्क किया हुआ है, पूरा जो सीक्वेंस बैठा हुआ रहता है उस टाइप से है, तो धागे और सीक्वेंस का जो वर्क होता है उस टाइप का है, देख सकते हो। तो ये जो है ऑर्गेंजा मटेरियल का इसका दुपट्टा है और साइड में देख सकते हो ऐसे प्लेन सा लेस लगा हुआ है ब्लू कलर का ही। तो इसका दुपट्टा की क्वालिटी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, और लुक सबका मैं साइड में लगा दूंगी ताकि आप देख लो कि कैसा इसका लुक लग रहा है। तो देख सकते हो इसकी दुपट्टा बहुत अच्छी है और इसका जो दुपट्टा है ये 2 मीटर का होगा आई थिंक, हाँ इसका दुपट्टा 2 मीटर का है, देख सकते हो। तो अच्छा खासा लंबा भी है इसका दुपट्टा और चौड़ा भी अच्छा खासा है, देख सकते हो। तो ये पूरा ऑर्गेंजा का है और इसमें ऐसा वर्क किया हुआ है। तो ये मैंने 550 में मीशो से मंगवाया है, तो सारा का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी ताकि आप ले सको, चेक कर लेना मेरा डिस्क्रिप्शन, वहां पे आपको सारा का लिंक मिल जाएगा। देन मेरा जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो ये है, तो इस हॉल का सबसे बेस्ट प्रोडक्ट मुझे ये ही लगा, मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद आया है क्योंकि इसकी जो लुक है वो बहुत अच्छा लग रहा है और इसका कलर भी मुझे बहुत पसंद आया। तो देख सकते हो ये वाइट एंड पिंक कलर में है, तो इस सूट में देख सकते हो मुझे एक ट्राउजर रिसीव हुआ है जो कि इस टाइप से है, देख सकते हो। तो ये जो है ये पूरा जो व्हाइट होता है उस टाइप का नहीं है, जो थोड़ा डल टाइप का जो व्हाइट होता है ना उस टाइप का है ये, तो इस वजह से ये बहुत अच्छा लग रहा है, देख सकते हो। तो इस टाइप का ट्राउजर है इसमें और नीचे इस ट्राउजर में इस टाइप का गोल्डन कलर का लेस लगा हुआ है। इसकी जो फिनिशिंग है बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी, और इसकी जो मटेरियल है ये भी बहुत सॉफ्ट है और रिच वाला जो मटेरियल होता है उस टाइप का है, देख के आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आप मीशो से मंगवाए हो या चीप क्वालिटी की है, इसकी मटेरियल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी क्वालिटी की है ये। देन मुझे ये कुर्ती रिसीव हुआ है, देख सकते हो, तो इसमें भी जो बाजू में है इस टाइप का लेस लगा हुआ है, देन भी नेक में है ये, देख सकते हो, और ये पूरे भी नेक में लेस लगा हुआ है। तो ये मैंने एस साइज में मंगवाया है और ये मुझे बहुत लूज हो रहा है, लूज वाला जो फिटिंग होता है वो हो रहा है, तो साइज में एक्स्ट्रा स्मॉल में मंगवाती तो ये मुझे सही होता क्योंकि ये बहुत ज्यादा ही मुझे लूज हो रहा है, देख सकते हो। और इसकी और ये थोड़ा सा सी थ्रू है क्योंकि व्हाइट कलर में है और इसमें कोई भी लाइनिंग नहीं लगी हुई है, अगर इसमें लाइनिंग लगी होती तो ये सही रहता। तो इसमें लाइनिंग नहीं लगा हुआ है जिसके वजह से ये बहुत सी थ्रू है, अगर इसमें लाइनिंग लगी हुई रहती तो ये बहुत अच्छा होता क्योंकि ये व्हाइट होने की वजह से बहुत ज्यादा ही सी थ्रू है, तो आपको इसके अंदर कुछ पहनना होगा तभी ये अच्छा लुक देगा। अदरवाइज मटेरियल इसकी बहुत अच्छी है, बहुत सॉफ्ट है और लुक भी इसका बहुत अच्छा है, जैसा मुझे दिखाया गया था सेम मुझे वैसा ही रिसीव हुआ है। और इसकी जो मेन खासियत है जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया वो है ये दुपट्टा, देख सकते हो। तो ये जो दुपट्टा ये जॉर्जेट का दुपट्टा है और इसमें इस टाइप का देख सकते हो गोल्डन कलर का एम्ब्रॉयडरी किया हुआ है, पूरा वर्क किया हुआ है, देख सकते हो दोनों साइड, और इधर भी पूरा एम्ब्रॉयडरी
एम्ब्रॉयडरी का वर्क किया हुआ है। तो ये सूट मैंने 1050 रुपीज में या फिर 1000 में मीशो से लिया है। तो इसका लुक भी बहुत अच्छा लग रहा है और अच्छा ब्रांडेड वाला जो लुक होता है उस टाइप का लुक दे रहा है। चीप मटेरियल इसका बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग इसका प्राइस मुझे सही लग रहा है। 1000 में आप इसे ले सकते हो अगर आप एक डिजाइनर सूट चाह रहे हो जो कि लुक भी बहुत अच्छा दे और उसका कलर कॉम्बिनेशन भी अच्छा हो। तो ये जो डल व्हाइट कलर है उसमें ये पिंक कलर का जो इस टाइप का दुपट्टा है बहुत अच्छा लुक दे रहा है, बहुत ही ज्यादा। मैं साइड में लुक लगा दूंगी, आप देख लेना। तो ये मैंने 1000 में मीशो से लिया है, देख सकते हो। तो ये सूट तो मुझे पसंद आया, आप चाहो तो इसके साथ जा सकते हो। तीनों सूट मुझे बहुत पसंद आया, आप तीनों सूट के साथ जा सकते हो। बस फर्स्ट जो सूट था उसका दुपट्टा अच्छा नहीं था, अदरवाइज मुझे बहुत पसंद आया। तो यही 3 सूट था जो कि मैंने मीशो से मंगवाया था। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। थैंक यू।